पैसा कमाने के लिए लोग आज भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? पैसा कमाने के लिए भाग रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। क्या बोल रहे? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। रुक जाइए, पैसा चाहिए तो पैसा कमाने के लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ता है। आप जो पैसा कमाने के लिए जो व्यापार करते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, कुछ सिस्टमेटिक रहता है, राइट? तो जो सिस्टमेटिक रहता है, अगर उसको सही सिस्टम मिल जाए, सही तरीका मिल जाए, तो पैसा कमाना हो जाएगा आसान। यस, हाय, दिस इज राज, द बिजनेस एडवाइजर एंड मार्केटिंग ट्रेनर। फ्रेंड, मैं काफी सारे लोग को देख रहा हूं आज तक, जो कि सिर्फ बिजनेस आइडिया आपको दे देते हैं। बिजनेस क्या है, कितना लागत है और कितना मुनाफा आएगा, इतना ही बताते हैं। क्या है? कितना लागत है और कितना मुनाफा आएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, अगर मुनाफा सभी को आता होगा तो शायद वही बिजनेस वो क्यों नहीं करते। वो एक छोटा सवाल है सभी लोग को, एक छोटा सवाल है, अगर इतना बढ़िया मुनाफा है तो आप क्यों नहीं करते हैं सारे बिजनेस? नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेस रहता है बिजनेस करने का, उनको वो चीजें पता नहीं है। यस फ्रेंड, बताने का बात ये है, देखिए आप लोग कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बाकी दिन आता है आपने उस चीज को सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद उसी बिजनेस को आपको छोड़ देते हैं। अगर आपने इस चीज का एक सिस्टमेटिक बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायमेंशन बनाएंगे और उसको सही ढंग से करने लगेंगे, तो क्या लगता है, आपका बिजनेस नहीं होगा? यस, जरूर होगा। इसीलिए चाहिए सही तरीका। फ्रेंड, ये जो चैनल है, जो मेरा चैनल आप जो देख रहे हैं, फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं, मैं इसी वीडियो में सिर्फ आइडिया नहीं देता हूं, यहां पर मैं आइडिया के साथ साथ आपको देता हूं कैसे करेंगे, हाउ टू डू, आप कैसे करेंगे। आप करेंगे जरूर, आपके पास बिजनेस नॉलेज है, बाकी जो मार्केटिंग का तरीका, क्योंकि देखिए जो भी चीजें कीजिए, आप सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आपको एट द एंड जस्ट यू सेल दैट योर प्रोडक्ट, जस्ट यू सेल योर प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अगर सेल करते हैं तो आपका बिजनेस बेहतर होगा, अगर सेल नहीं कर पाते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सेल्स एक बहुत बड़े पार्ट है। कितना बड़ा मैन्युफैक्चर हो गया, कौन सा मैन्युफैक्चर बात करेंगे? यस, मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपने नाइट श्रुति ड्रेसेस का बिजनेस के बारे में। आपने नाइट श्रुति बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे, 1 लाख के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मशीनें चाहिए होगा इसके लिए और एक बढ़िया सा प्लेस, कहीं में भी, चाहे गांव में हो या शहर में हो, दोनों कहीं में भी हो, आप वो बिजनेस कर सकते हैं, नाइट श्रुति का बिजनेस, राइट? वो आपने चला सकते हैं, अपने हिसाब से काम दिखा सकते हैं। अभी मुझे आप बताइए, आपने बना देंगे नाइट ड्रेसेस जो लेडीज पहनते हैं, नाइटी, ओके, वो नाइट तो बना लेंगे, आप उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे? क्योंकि मैं आपको कुछ देर पहले वही चीजें बता रहा था, आपने कोई भी चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप बना सकते, कोई बना भी सकता है, कोई भी बना सकता है, सबसे बड़े मायने रखते हैं आपने उस चीज को मार्केटिंग किसी ढंग से करते हैं। ऐसे क्या चीजें अपनाते हैं जिसकी वजह से आपका सेल दुगना, तिगुना, 10 times तक सेल हो सकता है? अगर सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपके पास, तो आप बहुत आगे ले जा सकता है आपका बिजनेस, आपको और आप अपने बिजनेस को। इसीलिए मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं, आपने कितना लागत लगाए, कितना मैन्युफैक्चरिंग करें, वो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है आपका सेल कैसे इंक्रीमेंट होगा, आप कैसे सेल करेंगे और आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे। सेल्समैन मत बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। आप जो सेल्फ एम्प्लॉय बनकर रहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय मत बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब है आप खुद का दिमाग लगाना, दूसरों को काम पे लगाना, पैसा उनको कमाने देना, आप खुद कमाना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है।
आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेते नाइटी श्रुति की, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेते तो दिमाग में आपको बहुत सारी चीज़ें आता है, आपका हर महीने स्ट्रगल आता है, भाई इतना प्रोडक्शन निकल गया, उनको स्टाफ को सैलरी देना है, मुझे अपना खर्चा निकालना है और सेल्स को बढ़ाना है। अगर सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, सेल्समैन हायर करते हैं होता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर चुके हैं होता नहीं। फ्रेंड इसी वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सजेशन देने वाला हूँ। यस कंप्लीट देखिए वीडियो को, स्किप ना करते हुए देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, स्किप ना करते हुए देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज मैं पूरा जोश में हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू कर चुके हैं उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे। यस तो चलिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको कुछ रिटेलर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, नियर बाय रिटेलर कौन चीज़ें आपका बेचता है, राइट। तो नियर बाय रिटेलर को फाइंड आउट करके आपने उन लोग को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइट। आपने बोले भाई ठीक है हम तो कर चुके हैं, बढ़िया है, आपने कर चुके मतलब आप एक कदम है, आप आगे हैं, राइट। अच्छा कितना रिटेलर फाइंड आउट किए हैं और कितना किलोमीटर रेडियस में फाइंड आउट किया, आपने कभी सर कभी कैलकुलेट किए हैं, नहीं किए हैं, यहाँ मन पड़ा तो यहाँ पर, वहाँ मन पड़ा तो वहाँ पर, उसको मन किया तो उसको दे दिए, उस तरह होते नहीं। फिर एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाए अपना, इतना ड्यूरेशन में, इतना रेडिएशन में मैं मेरा बिजनेस को फैलाऊंगा, इसी महीने तक मेरा बिजनेस वहाँ तक हो जाना चाहिए, ध्यान में रखना बात को। आपने रिटेलर फाइंड आउट कर लिए, 10-20-50 किलोमीटर के अंदर 50 रिटेलर फाइंड आउट कर दिए, क्या 50 रिटेलर वो सही है, आ गया समझ में, नहीं, आपको और भी रिटेलर चाहिए, डीलर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, कैसे डीलर अपॉइंट करना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, और अपना जैसे होलसेलर कैसे अपॉइंट करना, कैसे किसी को होलसेलिंग कैसे माल प्रोवाइड करना, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ बी टू बी मार्केटिंग में, ये भी बी टू बी मार्केटिंग का फंडा है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आपको अगर पूरा जानकारी चाहिए तो द एडवाइजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा बी टू बी मार्केटिंग का पूरा तरीका, ओके। तो अभी आपने स्टार्ट कर लिए क्या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, वो सारी चीज़ें आपको पूरी परफेक्ट तरीके से आपको मिल जाएगा द एडवाइजर एप्लीकेशन में। अभी फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा और एक तरीका, आपने बेहतर से और बेहतर आपने रिटेल में कैसे सेल करेंगे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपॉइंट करने के साथ साथ आपको भी चाहिए रिटेल में कोई खरीदे, क्योंकि रिटेल में प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में जितना प्रॉफिट नहीं होता है उससे बढ़िया प्रॉफिट होता है रिटेल में। अच्छा रिटेल में कैसे करेंगे, रिटेल में करने के लिए आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता लेना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब जैसे पहले बता रहा हूँ आपको मिंत्रा, दूसरा है मेशियो, तीसरा है फ्लिपकार्ट, चौथा है अमेजन, चारों जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेल सेल करने के लिए, रिटेल में सेल करने के लिए चार प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। नाइटी श्रुति का अगर आप मैन्युफैक्चरर आपने सेल करना चाहते हैं तो ये चारों प्लेटफॉर्म जैसे हो गया मिंत्रा, मिशो, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर अपना एक अकाउंट ओपन करके आप अपने प्रोडक्ट को डील कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल वे है, वो कुछ कमीशन आपसे चार्ज करेंगे 10-12-15-20% जो भी, ठीक है ना, वो मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं है, आपको अगर डील करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो पहले ज़रूरी है, और एक अगर ब्रांड बना के सेल करना चाहते हैं आपने तो ब्रांड बनाएंगे कैसे, बेहतरीन से बेहतरीन पैकिंग, आप नाइट सूती बना रहे ठीक है बढ़िया है, उसका जो सील पैक होगा ना एकदम जबरदस्त होगा। एक बार आपने अगर इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं ब्रांड के ऊपर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, बाकी एक बार ब्रांड बन जाते हैं एक बार तो गारंटी दे सकता हूँ आपने आपने बहुत बढ़िया नाम कमाएंगे, इसके साथ बहुत बढ़िया पैसा भी कमाएंगे। बस इसीलिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आपको छोटा सा उपाय, ध्यान सुनिए, बात फाइनल है, उसके बाद शायद आपको मैं और एक वीडियो में मिलूँगा, ठीक है। तो उपाय है, अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं एक पैकिंग मस्त कीजिए, इसके साथ साथ उसी पैकिंग को एक बढ़िया सा वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपने सेल कर सकते हैं फेसबुक पर,
फेसबुक पर एक वीडियो फॉर्मेट में आपने अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, जहां पर आपने सीधे अनाउंस करना वी नीड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया में हर कोने से मुझे चाहिए। तो वहां पे भी आपको काफ़ी सारे रिटेलर मिल जाएंगे, डीलर मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, जो कि आपका बिजनेस से जुड़ना चाहेंगे। बस करके देखिए, अगर नहीं होता है तो बस कमेंट में लिख के बताए आपकी बात झूठ है, अगर होता है तो मुझे एक बार छोटा सा चीज़ है आपको एक रिक्वेस्ट है, इसी वीडियो को सभी को शेयर भी कीजिए। फ्रेंड ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एवरीवन। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब माई चैनल गेटिंग न्यू आइडियाज फॉर योर बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।